गैस सिलेंडर के दामन में कांग्रेसी महिला पुरुष ने गैस सिलेंडर के संग जुलूस निकाल। जहां से उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी महिला पुरुष ने गैस सिलेंडर के संग जुलूस निकालो, लाइट चौराहे पर प्रदर्शन करो, तो महिलाओं को कहो कि रसोई गैस के दाम जो बढ़ाए गए हैं वे वापस ले जाए। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लाने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने कही कि जिलों और गिरगिट की तरह रंग बदलत है। जब पूर्व की सरकार में थोड़े बहुत गानन की बढ़ोतरी भई तो जे लोग सड़क पर उतर आए थे, आज भाजपा सरकार के लोगों का जो महंगाई और बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है। उधर कांग्रेसियों ने जम के महंगाई के विरुद्ध नारेबाजी करी और पूर्ण रूप से सड़क पर उतर के उतरबे को ऐलान करो है, और मौका पर भारी संख्या में कांग्रेसी महिला पुरुष मौजूद रहे। आज क्या प्रदर्शन है आपका, किस तरीके का प्रदर्शन है आज? आज हमारे महंगाई के खिलाफ जो सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ा दिए गए और कमर्शियल सिलेंडर में 350 रुपए बढ़ा दिए। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब स्मृति ईरानी रोड में सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और चूड़ियां भेंट करती थी। आज स्मृति ईरानी का पता नहीं है कि स्मृति ईरानी कहाँ है, और देश की जनता और हमारे बुंदेलखंड की जनता त्राही त्राही कर रही है, और सिलेंडर महंगाई के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस रोड में उतर कर प्रदर्शन करेगी। सिलेंडर महंगा होने से आपकी व्यवस्थाओं में क्या फर्क पड़ेगा? हमारे व्यवस्थाओं में बहुत फर्क पड़ेगा, हमारा घरेलू बजट बिगड़ गया है, हमारी महिलाओं का घरेलू बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। अब हमारे बच्चे जो हम अच्छा फल फ्रूट और खिलाव पाते थे, सिलेंडर के बिना काम नहीं होना, अब हम अपने बजट में हमें कटौती करनी पड़ेगी, तब हम जाके घर का सिलेंडर पूरा कर पाएंगे। इसलिए महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रोडों में उतरी है, और जेल भरो आंदोलन जो भी करना पड़ेगा हम महंगाई के खिलाफ करेंगे। और हमारा स्मृति ईरानी जी से, मोदी सरकार से, योगी जी से ये मांग है, सिलेंडर के दाम वापस लो और सिलेंडर के दाम कम करो, नहीं कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। जी क्या कर रहा है आज, आपने क्या सिलेंडर कार्यक्रम है आपका? आज गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। पिछले साल में 5 बार सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, फिर 350 रुपये डोमेस्टिक पर 50 रुपये और कॉमर्शियल पर 350 रुपये बढ़ा दिए। ये पैसा कहाँ जा रहा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाराज में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही तो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे? आज जब होली के दिन राजस्थान के अंदर 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा, तो योगी और मोदी को भी 500 रुपये का सिलेंडर देना चाहिए। आज कोहिनूर हीरा की तरह ये सिलेंडर हो गया है, इसके खिलाफ अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो महंगाई के खिलाफ हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी लाया करती थी कि सिलेंडर महंगा हो, गैस महंगा हो, आज क्यों नहीं बोल रही है? गिरगिट की तरह रंग बदल लिया स्मृति ईरानी और हमारे मोदी जी और योगी जी ने। पहले महंगाई के नाम पर डायलॉग बाजी करते थे, आज कान में रुई डाल के जवाब तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए आज जवाब देने तैयार नहीं है। और LIC के माध्यम से हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है, 10 दिन में 1.5 महीने के अंदर 50,000। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबर चांद भी खिलाना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ बिल्कुल न भूले। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल का संवाददाता झांसी से सुब्राइन की, ऐसी खबरें चांद भी खिलाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की, जय बुंदेलखंड।